Question number 7 is of differentiation. The curve y is equal to sine within bracket x plus pi by 3 into cos x. ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन फंक्शन इनटू ये कोसाइन फंक्शन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. दिस कर्व हैज टू स्टेशनरी पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 टू पाई. 0 और पाई के दरमियान दो स्टेशनरी पॉइंट आ रहे हैं इस कर्व पे. तो फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड dy / dx, ग्रेडिएंट एक्सप्रेशन फाइंड करना है. तो वी विल यूज हियर प्रोडक्ट फॉर्मूला uv डैश प्लस वी यू डैश. वी विल यूज y इज इक्वल टू यू और v, दो फंक्शन ऑफ x है. तो dy / dx क्या होता है, uv डैश प्लस वी यू डैश. यहां पे ये इसको dy / dx फाइंड करने के लिए ये u लेंगे हम, इसको इस फंक्शन को हम v लेंगे. वी विल यूज दिस फार्मूला टू फाइंड dy / dx. So we are differentiating the given equation of the curve. Y is equal to sine x plus pi by 3 into cos x. So dy / dx will be sine x plus pi by 3 को as such लिखेंगे into derivative of cos x which is equal to minus sin x plus, अब हम cos x को as such लिखेंगे, differentiation of sin x plus pi by 3 वो क्या होगी, होगा cos x plus pi by 3 into derivative of इन साइड द ब्रैकेट. इसका डेरिवेटिव लेना था, ये तो पाई ओवर 3 तो कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो जो वो हम लिखेंगे ही नहीं. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन. आप इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो दिस बिकम, इस माइनस को हम बाहर एडजस्ट कर लेंगे, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस cos x इंटू cos x प्लस y बाय 3. तो ये हमारा आंसर है. ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बाय कंसिडरिंग द फार्मूला फॉर cos a प्लस b. ये आपको फार्मूला आना चाहिए cos a प्लस b. शो दैट एट द स्टेशनरी पॉइंट्स on the curve cos 2x plus pi by 3 is equal to 0. सबसे पहले ये फार्मूला यूज करना है cos a plus b वाला. ये cos a plus b वाला फार्मूला क्या होता है, ये हम लिख लेते हैं इधर. cos a plus b होता है इसकी एक्सपेंशन cos a cos b minus sin a sin b. आप देख रहे हैं कि a प्लस वाले फार्मूले में यहाँ पे माइनस का साइन होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस होता. तो ये फार्मूला है. अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसको एडजस्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला. तो ये स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, देखिए स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व के ऊपर. स्टेशनरी पॉइंट, दो स्टेशनरी पॉइंट होंगे वो फाइंड करने. स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है वो जीरो होता है. डी वाई ओवर डी एक्स जीरो होता है. तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स. इसको हम जीरो पुट कर देंगे. जब इसको जीरो पुट करेंगे तो वो रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, कॉस
ऊपर वाला रिलेशन लिख रहे हैं, ये मैं रिलेशन जो है वो नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमने शो करना है। तो ये कॉज एक्स कॉज एक्स प्लस पाई बाय थ्री माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आप कंपेयर करें जरा गौर से इसकी राइट हैंड साइड से, कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला जो है आपको सामने नजर आ रहा है, यहाँ एंगल ए और यहाँ बी है। अब देख रहे हैं कि ये कॉस और साइन साइन, इसमें भी यही सिचुएशन बन रही है, कॉस कॉस साइन साइन। अब एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करेंगे, वहां पे ए और बी है, यहाँ पे ए एक्स है और बी क्या है, ये पूरा एंगल, ये क्या है एक्स क्या है ए, ये एंगल क्या है बी, इसी तरह इसमें भी आ रहा है एक्स क्या है ए और बी क्या है ये। तो सो इन प्लेस ऑफ राइट हैंड साइड हमें गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्लोज करके कैसे लिखना है, कॉस लिख के ए और बी को ऐड कर देना है, कॉस लिख के एक्स और इसको इस एंगल, इन दोनों एंगल को हमने कॉस के आगे ऐड कर देना है, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी इसकी। इस फार्मूला में क्या है, राइट हैंड साइड जो है वो गिवन है, लेफ्ट साइड इसको क्लोज करके लिखना है, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे और कॉस की आगे लिख देंगे, तो दिस विल बिकम कॉस एक्स प्लस फाइव बाय थ्री। क्या किया हमने, हमने एक्स को और इस एंगल को ऐड किया इन प्लेस ऑफ ए और बी, हमने ये लिखा है। सो इस सारे को हमने क्लोज करके ये लिख दिया। अब इसको कर लेंगे हम सिंपलीफाई, तो हमारा रिलेशन शो हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो भी है, तो ये बन जाएगा कॉस विद इन ब्रैकेट टू एक्स प्लस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये हमने जो शो करना था वो शो कर दिया है, कॉस टू एक्स प्लस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो, वो कैसे आता है, ऐसे आता है। नेक्स्ट, हेंस फाइंड द एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। अब हमें स्टेशनरी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और एग्जैक्ट फॉर्म में फाइंड करने हैं, डेसिमल प्लेसेस में नहीं फाइंड करने। तो अब क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स, अभी हमने ये शो किया है कॉस टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमने फाइंड किया है कि कॉस 2x प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू जीरो। तो राइट साइड पे देखें, अब यहाँ पे बेसिक एंगल वगैरह नहीं लिया जाता, क्योंकि जीरो हो राइट साइड पे, जीरो हो वन हो माइनस वन हो, इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये देखें कॉस इनवर्स जीरो वो आपको 90 दे देगा। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसे करें 2x प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, तो वो तो हमें सिर्फ 90 देगा कैलकुलेटर, तो एक और एंगल आएगा वो आपने कैसे फाइंड करना है। अब आपने देखना है कि कॉस 0 जो है, बेसिक एंगल तब लेते हैं इन वैल्यूज के अलावा, कॉस या साइन की 0 1 या माइनस 1 इन वैल्यूज के अलावा जो सारे एंगल्स जो हैं वो एक्यूट बनते हैं। तो ये एंगल्स जो है ये आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि कॉस जो वेल नोन एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज ना पैदा हो सके। अब इसको करना कैसे है, आप देखें ये जो जीरो आपको नजर आ रहा है, ये कॉस पाई बाय टू की वैल्यू भी जीरो होती है और कॉस थ्री पाई बाय टू की वैल्यू भी जीरो होती है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे एंगल पाई बाय टू भी हो सकता है, थ्री पाई बाय टू भी हो सकता है। तो सो हम लिख सकते हैं, फिर सुन लें, कॉस पाई बाय टू वो भी जीरो होता है, पाई बाय टू 90 को कहते हैं, और थ्री पाई बाय टू जो है रेडियन में, लेकिन डिग्री में इसको 270 कहते हैं।
कॉस 90 की वैल्यू भी जीरो होती है और कॉस 270 की वैल्यू भी जीरो होती है। तो सो यहाँ पे जब हम कॉस इनवर्स जीरो करेंगे तो दो एंगल्स आएंगे, पाई बाय टू भी आएगा और 3π/2 भी आएगा। तो सो वी कैन राइट 2x+π/3 इज इक्वल टू पाई बाय टू और 3π/2। ओके, अब क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों के इक्वल हो सकती है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल भी हो सकती है और ये इसके इक्वल भी हो सकती है। दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, इसीलिए वो दो स्टेशनरी पॉइंट लिखा हुआ है। 2x+π/3 इज इक्वल टू पाई बाय टू भी हो सकता है और 2x+π/3 जो है ये 3π/2 भी हो सकता है। यहाँ से हम एंगल एक्स फाइंड करेंगे, 2x इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय थ्री। एलसीएम लेके इसको हम राइट साइड को एलसीएम लेके पाई बाय सिक्स लिख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 12। एक आई एक्स कोऑर्डिनेट आया, स्टेशनरी पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया, पाई बाय 12। दूसरा हम यहां से फाइंड कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 3π/2 माइनस पाई बाय 3। इसको भी आप एलसीएम लें, एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, या मैं आपको कर ही देता हूं। 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 9π माइनस 2π, तो दिस बिकम 7π/6। 2x इज इक्वल टू 7π/6, ओ तो 2 डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7π/12। दूसरा x कोऑर्डिनेट स्टेशनरी पॉइंट का ये है 7π/12। सो दीज आर टू एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर दी हैं एग्जैक्ट फॉर्म में। एग्जैक्ट फॉर्म में कि आपने डेसिमल में नहीं लिखा, इन टर्म्स ऑफ पाई, इस फॉर्म को बोलते हैं एग्जैक्ट फॉर्म।